दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संतोष, शेफ कृष्ण। आज आया हूँ पोर्ट ऑफ कैचिकन, जो अलास्का के अंदर एक सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर जहाँ हमारा शिप लॉक हुआ, वहाँ से 7 माइल की दूरी पर बाई बस मैं अब जा रहा हूँ डाउन टाउन। तो मैं आज आपको डाउन टाउन दिखाऊँगा कैसा है यहाँ का डाउन टाउन। यहाँ ये ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं होती, यहाँ सब छोटी सिटी रहती हैं और ये ज़्यादा समुंदर के आसपास ही बसते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे जा रहे हैं थोड़ा क्या है ना कि रोड अप डाउन है, जंप कर रहा है। तो डाउन टाउन चलते हैं, आपको डाउन टाउन दिखाते हैं वहाँ क्या क्या है। और ये बाहर का व्यू है, देख सकते हैं आप। दोस्तों, मैं अब आ गया हूँ कैचिकन के अंदर, और जब अभी बस 20 मिनट की ड्राइव करके मैं बस में आया हूँ। और सडनली आज ऐसा हुआ कि बस में भी सिर्फ मैं अकेला ही था। वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, पता नहीं है, सब लोग पहले जा चुके हैं, जो गेस्ट आए हुए थे यहाँ पर वो घूम रहे होंगे यहाँ पर। और अब मैं यहाँ का आपका व्यू दिखाता हूँ, बड़ा ही प्यारा प्लेस है। मैं बहुत पहले यहाँ आया था, करीबन 5 साल पहले, और वहाँ मैंने खूब इन्जॉय किया था, घूमे थे, अच्छी अच्छी जगह हैं। तो आज मैं आपको दोबारा एक कहते ना दूसरी दोबारा एक किसी जगह पर आके, वो भी आउट ऑफ इंडिया, तो मज़ा आता है उसके जगह। तो मैं आपको यहाँ व्यू दिखाता हूँ आज क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैंने बहुत पहले देखी थी, और यहाँ मैं आपको दोबारा उसी चीज़ की विज़िट कराऊंगा। तो चलते हैं मेरे साथ। हाँ, ये अगेन इस प्लेस को भी हम क्रूज टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि हमारा शिप पहले यहाँ इस तरफ लगते थे, लेकिन अब यहाँ से बहुत दूर बनाने लग गए क्रूज टर्मिनल। तो ये यहाँ पर शॉप्स हैं, आउटलेट स्टोर हैं। तो यहाँ पर इस तरह के क्लॉथ रहते हैं, ये $29 में जैकेट्स हैं अलास्का के से। और यहाँ एक शिप लगा हुआ है, ये हॉलैंड अमेरिका का शिप है, बड़ा ही प्यारा शिप है, बहुत बड़ा शिप है आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ भी आउटलेट है, स्टोर है, ज्वेलरी शॉप्स हैं, और अदर चीज़ें भी यहाँ अवेलेबल है। तो चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पीछे का ये व्यू, यहाँ एक घर बड़े प्यारे इन्होंने, देखो कलरफुल डिज़ाइन में इन्होंने घर बनाए हुए हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे। और ये देखिए, यहाँ इस पानी के अंदर मैंने जेलीफिश भी देखी है, छोटी छोटी रहती है, बोलते हैं इस पानी में यहाँ नहीं नहाना चाहिए, नहाने की हिम्मत भी बहुत मुश्किल ही होगी क्योंकि ठंडा इतना पानी है यहाँ पर। अभी वैसे तो इनके लिए समर टाइम चल रहा है, लेकिन रियली में देखा जाए तो समर में भी यहाँ भी सर्दी है। बट अभी धीरे धीरे हम जैसे जैसे सेप्टेम्बर की तरफ जा रहे हैं, अगस्त में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा समर शुरू हो गया है, रेनिंग होता रहता है मोस्टली यहाँ पर। और चलते हैं आगे। ये यहाँ कुछ बोट्स हैं स्मॉल, जो यहाँ पर जैसे वेल वॉचिंग के लिए जाते हैं, या बियर वॉचिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ टूर बनाए हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ से जाने का रास्ता है। बड़ा ही प्यारा प्लेस है। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अब जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं मैं, और ये एक सुरंग बनाई है इन्होंने पहाड़ को काट के, थोड़ा अच्छा व्यू देने के लिए। तो एक तरफ एंट्री है, दूसरी तरफ एग्ज़िट है, यहाँ से एंट्री नहीं होती, यहाँ सिर्फ एग्ज़िट है। और ये देखिए बियर, यहाँ की लुक कैसे इन्होंने बनाया, रेस्टोरेंट, ये एक रेस्टोरेंट है। यहाँ बहुत सारे शिप आते हैं, बहुत सारे, लाइक ये सीज़न इन लोगों के लिए शिप के लिए है, तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अभी जस्ट मैंने पता किया था मेरे बस ड्राइवर से कि यहाँ कितने लोग रहते हैं सीज़न में, तो उसने मेरे को बताया अराउंड 8,000 to 9,000 लोग यहाँ पर रहते हैं पूरे सीज़न में। और जब ऑफ सीज़न रहता है, लाइक सम विंटर टाइम रहता है, तो यहाँ पर अराउंड 3,000 लोग रहते हैं। ये मेरा फ्रेंड, ये मेरे साथ काम करते हैं, सर्विस में है, यहाँ घूमने आए हैं। ये टाउन था काफ़ी बड़ा है, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि क्योंकि बस ने मुझे बहुत पहले ड्रॉप किया। और बस चलते जा रहे हैं, आपको नई चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पर। यहाँ शॉपिंग के लिए मोस्टली क्लोथ्स रहते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ की क्या चीज़ें लेके जाएं, तो वो लोग यहाँ से
शॉपिंग के लिए क्लोथ लेके जाते हैं यहाँ से, मोस्टली जो इन पे यहाँ का लाइक अलास्का कैचिकन लिखा रहता है। और ये एक ईगल बनाया हुआ है यहाँ पर, बड़ा प्यारा है। ये यहाँ कुछ स्टोर है, कैचिंग का सिटी हॉल है। और ये ईगल को आप देखिए, बड़ा प्यारा लुक दिया है इसको। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, आज ये शिप यहाँ से अभी जा रहा है, तो ये इसके चलते हुए शिप की वीडियो है। बहुत प्यारी चीज़ें हैं यहाँ, जगह शॉपिंग का ही सिस्टम है पूरा, क्योंकि यहाँ सिर्फ गेस्ट ही आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए। तो यहाँ मोस्ट इस प्लेस में मोस्टली सब लोग शॉपिंग की ही चीज़ें यहाँ रखते हैं। ये क्रैब सर्व करते हैं इस रेस्टोरेंट में, बड़ा ही प्यारा रेस्टोरेंट है दिखने में, बाहर से खाया तो मैंने भी नहीं कैसा रहेगा क्रैब पता नहीं, ख़राब क्रैब खाया लेकिन मैंने यहाँ नहीं खाया, एक्चुअली मैं इतना शौकीन नहीं हूँ सी फूड का। रोड भी देखिए आप, कितना प्यारे तरीके से इन्होंने लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, चीज़ें हाइजीनिक क्लीन है। और यहाँ से लगता है कोई शिप, ये वाला शिप भी जाने की तैयारी में है। ये शिप हमारे प्रिंसेस क्रूज शिप है और ये काफ़ी टाइम से हमारे साथ ही फॉलो कर रहे हैं। ये शिप अराउंड अभी लास्ट में वैंकोवर में था, तो वहाँ भी ये शिप था। और उससे पहले मैं अर्बर ग्लेशियर जो मैंने वीडियो डाली हुई है वहाँ पर भी ये शिप थे। तो मतलब सभी शिप एक दूसरे के आसपास ही मिलते हैं यहाँ पर, घूमते रहते, क्योंकि यहाँ लिमिटेड ही पोर्ट है, लिमिटेड जगह है, तो सबका एक दूसरे से आसपास दिखना कॉमन है। और ये देखिए हमारा इंडियन फ्लैग, भाई खुशी होती है यार जब अपना इंडियन फ्लैग लगता है कहीं, दिखता है इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएस, कनाडा, एवरीवेयर। और ये देखिए यहाँ थोड़ा ट्रैफिक हो गया, लगता है किसी ने रोक दिया है, रोड को ब्लॉक किया है। और ये देखिए, वेलकम टू पस सिटी कैचिकन, द सालमन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसको सालमन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, कैचिकन सिटी है ये। तो चलते हैं आगे और आपको इसी तरफ लेके चलेंगे। तो अब अपन यहाँ चलते हैं इस तरफ, और आपको बता दूँ यहाँ बहुत सारे अपने इंडियन भी लोग काम करते हैं यहाँ अंदर। ये एक डायमंड गैलरी के नाम से शॉप है, और बहुत सारी यहाँ डायमंड को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं लोग, क्योंकि अच्छा प्लेस है, टूरिस्ट है, सब कुछ है। ये देखिए बियर से बने हुए अलास्का रिफाइनरी हिट $299 में है। और सालमन गार्डन के नाम से एक सामने मुझे शॉप दिख रही है, इसके अंदर शॉप के अंदर आपको सालमन जो फिश है उससे बहुत सारी चीज़ें बनी मिलती। एक चीज़ अलास्का में दो तीन चीज़ें बहुत सारी फेमस है, तो नहीं इस साल इस कैच अलास्का में सालमन आपको हर जगह मिलेगी, ये इन लोगों की फेवरेट चीज़ है, फिश सालमन। दूसरा यहाँ बियर भालू बहुत देखने को मिलेंगे, हमें तो अभी तक नहीं दिखे क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ों पर रहते हैं, उनके लिए अलग से टूर गाइड जगह रहती है। और एक है वेल, ये लोग वेल को भी एक ऐसा इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ वेल इतनी सारी है। मैं कई बार ट्रैवल हमारा शिप चलता रहता है, रास्ते में बहुत सारी वेल दिखती है चमकते हुए, मैंने मेरी वीडियोज़ भी डाली है वेल की, वो भी आप देखें। और एक चीज़ और इसी वजह आपको याद दिला दूँ जो मुझे भी याद आ, कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को भी दिखाएं और फैमिली मेम्बर को दिखाएं कि ये चीज़ें देखने की मौका मिल रहा है आपको, तो दिखाएं उनको भी। और यहाँ से अब चलते हैं हम आगे की और इस तरफ, और क्या है यहाँ पर दिखाते हैं आपको।
तो जस्ट अब इस तरफ रोड क्रॉस करके आया हूँ मैं जैसे अभी, और ये देखिए यहाँ पर शॉप्स हैं बहुत सारी चीज़ें। और मैंने जैसे अभी पता किया है, जो मैं बहुत पहले यहाँ आया था, एक जगह पर यहाँ पर फ्रेश सालमन, फ्रेश तो क्या, लाइव सालमन रहती हैं, वो ब्रीडिंग करने के लिए यहाँ आती है। और वो प्लेस मैं जाना चाहता था, तो वो मैंने जैसे अभी पूछा है, मैं बहुत पहले आया था, मैं थोड़ा भूल गया कि कहाँ से उसका रास्ता है। तो अब बस मैं उसी प्लेस पे आपको लेके जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मेरी। तो इस वीडियो में तो मैं इस डाउनटाउन को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा मेरी बहुत पुरानी जगह पे, जहाँ मैं बहुत पहले गया था। तो आज मैं वहाँ भी जाऊँगा और वो वीडियो भी डालूँगा। तो इसके अलावा, इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करना, मैं आपको उस वीडियो में आपको कैची करने का सालमन की विज़िट करूँगा, जहाँ कैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ पर रास्ता कैसा है, और फिश दिखाऊँगा आपको सालमन। होपफुली मैं आपको वहाँ कैच करके भी दिखाऊँगा कैसे पकड़ा मैंने लास्ट टाइम उसको हाथ से पकड़ा था। तो हालांकि बिल्कुल पास में पानी के अंदर बहुत कम पानी में रहती है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वहाँ लेके चलता हूँ। और इस वीडियो में अभी तक तो इतना ही है, और कुछ मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे ये शॉप्स चल रही है, यहाँ पर बहुत सारे फूड स्टोर है, यहाँ पर चीज़ें देखने लायक है, जिस प्लेस को कहते हैं ना आप लव करेंगे, पसंद करेंगे, इतना नाइस प्लेस है। और यहाँ से हम आगे चलते हैं, देखते हैं बाकी क्या है यहाँ पे, क्योंकि अब टर्मिनल ख़त्म है, हम टर्मिनल से आगे क्रॉस करके निकल रहे हैं। और अब हम आपको आगे दिखाएंगे यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ये यहाँ पर बहुत सारी बोट है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैंने सालमन कहाँ, मैं सालमन पे गया, कैसे देखा और क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दोस्त शरद कृष्ण, चैनल का नाम है सीमेंस लाइफ 123। बाय बाय।